नमस्कार दर्शकों, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मिश्रा। ये नजर आ लेते हैं आज की इस खास खबर पर। यह खबर है कि लकुश नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत पीरा गांव में एक युवक की लाठी डंडों से और कुल्हाड़ी से मार मार के हत्या कर दी गई। हालांकि जब ये हत्या हुई तो परिवार के लोगों के द्वारा नाम तो बोले गए, लेकिन पुलिस के द्वारा नाम नहीं लिखे गए। इस तरह के आरोपों को लेते हुए परिवार के लोग मंगलवार के दिन पुलिस अधीक्षक के पास शिकायती आवेदन देते हुए उनके द्वारा जिनके द्वारा हत्या की गई है उनके नाम लेते हुए उस आवेदन को दिया गया है और निष्पक्ष जाँच करने की मांग भी की गई है और आरोपियों को पकड़ने की मांग को रखते हुए पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जाकर के शिकायती आवेदन दिया है। पीरा गाँव में किसने की है? वीरेन सिंह यादव पिता हुकम सिंह यादव, दुरक सिंह यादव पिता हुकम सिंह यादव, राम शरण और मुकेश पिता हुकम वीरेंद्र सिंह यादव में उन्होंने लिखे नहीं थे। मैं तो कहता रहा हटीआई साहब ने, लेकिन नाम नहीं लिखे। क्यों लिखे उनने? नहीं लिखे, वो कह रहे थे कई प्रकार की वातावरण कर रहे थे, इसलिए उन्होंने नाम नहीं लिखे। वो सरपंच है वर्तमान का, वो 15 साल से सरपंच है। नहीं तो विवाद था क्या कोई? जमीन का एक विवाद था सर, उसका डिसीजन हो गया था। शर्मा जी के यहाँ चलता रहा चक्कर, बी के शर्मा साहब के यहाँ, तो इस कारण हत्या कर दी उन लोगों ने। 8 बजे तो मैं वहीं से आया हूँ, हार से ही वहाँ पर उठाई का काम लगा रहा, एक मकान बन रहा था। मैं 9:15 बजे जब गया तो एक पेपरमेंट का खेत है, पेपरमेंट के खेत के पास मेरे भाई को पकड़े हुए थे ये लोग। तो मैंने देखा कि अगर भाई को पकड़े हैं जी मार रहे हैं तो मेरे को ही मार डालेंगे, तो मैंने मोटरसाइकिल बढ़ाई और गांव तरफ आया। फिर मैंने बच्चों को फ़ोन लगाया, फिर ये लोग गए हैं। जब वहां जाके देखा हैं तो ये लोग भाग गए थे, और भाई को देखा तो वहीं मृत पड़ा था, कुल्हाड़ी से गला कटा हुआ था। खबर दिन भर बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे कुछ नई ताज़ा खबरों के साथ।